दोस्तों, करेला का नाम सुनते ही सबके मन में कड़वाहट सा आ जाता है। तो आज हम आपको करेला बनाने का ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि बूढ़े तो क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष देसी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं करेला। तो करेला को सबसे पहले तो हम छील लेंगे। तो दोस्तों, हमने आधा किलो करेला लिए हैं, तो इन सारे करेले को हम छील लेंगे और दो टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सारे करेले को छील लिए हैं और काट लिए हैं। तो अब हम करेले को दो से तीन बार अच्छे से धो लेंगे। तो अब हमने एक चूल्हे पर मिट्टी के हांडी रख दिए हैं, तो उसमें हम करेले को डाल देंगे और एक चम्मच नमक डालकर छोड़ देंगे उबलने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने थोड़े से मसाले लिए हैं। तो करेला हमारा उबल गया है दोस्तों। तो हमने अब करेले को निकाल लिए हैं और निकाल कर उसके अंदर के बीज को निकाल निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने करेले के बीज को निकाल दिए हैं और ये है हमारा मसाला। तो हम ये दोनों चीज़ों को एक साथ पीस लेंगे। तो हमने सारे मसाले और बीज को पीस लिए हैं। अब हम एक प्याज लेंगे, प्याज को हम काट लेंगे। और इस तरह से एक बार करेला बनाकर ट्राई जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो हमने एक टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी हम काट लेते हैं। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रख देंगे और तेल डालेंगे। करेले को फ्राई करेंगे पहले, तो एक एक करके हम करेले को फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। इस तरह से आप करेला बनाइएगा ना, तो मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो एक बार इस तरह से जरूर बनाएं। तो करेला हमारा फ्राई हो गया है, तो अब हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा करेला, आधा करेला फ्राई हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे करेले को फ्राई कर लिए। तो अब हम सेम कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम चुटकी भर जीरा डालेंगे और कटे हुए प्याज को डाल देंगे और डालकर एक दो मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब हम कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं और साथ ही नमक डाल देंगे। अब हम मसाले को जो पीस कर तैयार किए थे ना, वो मसाले को भी डाल देंगे। और एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर और डालकर मसाले को अच्छे से भुनेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा मसाला भुनकर तैयार है। अब हम मसाले को उतार देते हैं और करेले में भरना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम मसाला लेंगे और करेले में दबाते हुए भरते जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे करेले में मसाले को भर देंगे। तो हमने सारे करेले को भर दिए हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा करेला का भरता बनकर तैयार है। तो रेसिपी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से करिएगा।